अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दरक्षा शुएब और लाई हूँ आज आपके लिए मज़ेदार सी तंदूरी टिक्का की रेसिपी। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत यम्मी बनता है। इजीली आप घर में बना सकते हैं ये मज़ेदार सा तंदूरी टिक्का। एक फुल चिकन में से 4 पीस करवा लेना है टिक्के के लिए, और उसके बाद मैं उसको गहरे कट लगा रही हूँ। कट गहरा लगाना है ताकि अच्छी तरह से मसाला इसमें मैरिनेट हो सके। मैरिनेशन के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। सबसे पहले लिया मैं सॉल्ट 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, रेड चिल्ली 1 टीस्पून, जोगर्ट 1/2 कप, 6 से 7 मैंने हरी मिर्च ली है और थोड़ा सा हरा धनिया, और इसका पेस्ट बना लिया है गाढ़ा सा और थोड़ा सा फूड कलर लिया है। अब एक बड़ा बाउल लेके इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तमाम मसालों को अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि एक जैसा जायका आए। तमाम मसाले को मिक्स करने के बाद मैं इसमें लास्ट में ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून ऑयल। आप इसमें मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। वन बाय वन में एक एक पीस में अच्छी तरह से मसाला लगाऊंगी। इसके तमाम कट्स में हमको मसाला लगाना है ताकि चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। चिकन जितनी अच्छी तरह से मैरिनेट होती है इतनी अच्छी बनती है, इतना ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैंने चिकन के चारों पीस को अच्छी तरह से मसाला लगा लिया है। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी मैरिनेशन के लिए। आप मिनिमम 3 आवर्स के लिए रख सकते हैं, मैंने ओवरनाइट के लिए रखा। ओवरनाइट रखने से बहुत जूसी बनता है ये टिक्का। ये टिक्का मैं तवे पे बनाऊंगी। तवे पे बनाने से बहुत अच्छा जायका आता है। मैंने तवे पे डाला है 2 टेबलस्पून ऑयल। अब मैं इसमें एक एक पीस करके चिकन ऐड करती जाऊंगी। टिक्का आपको मीडियम फ्लेम पे बनाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच ना हो वरना ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कुक नहीं होगा। एक साइड हमको 10 मिनट्स तक कुक करना है, उसके बाद टर्न कर देना है। और अगर लगे आपको कि कम सिका है तो 5-5 मिनट्स के लिए और दोनों साइड से आप फ्राई कर लीजिएगा। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आया है इसमें। ये 10 मिनट्स बाद ये कलर आया था, उसके बाद मैंने 5 मिनट्स के लिए और कुक कराए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें।
लास्ट में 5 to 10 मिनट्स के लिए मैं इसको कवर करके पकाऊंगी। जब तक ये टिक्का तैयार हो रहा है, मैंने दूसरे चूल्हे पे कोयला गरम करने रख दिया है टिक्के में स्मोक देने के लिए। ये मैं इसी तवे पे स्मोक दूंगी। आप यही टिक्के आप सीख पे भी लगाकर बना सकते हैं और ये तवे पे भी बहुत अच्छा जायका आता है, उसी तरह से टेक्सचर आया है। और इसमें फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें स्मोक दे रही हूँ। ये देखें बिल्कुल रेडी है। ये मैंने दूसरी साइड से भी 5 मिनट्स के लिए पका लिया था और अभी भी मैंने फ्लेम ऑन करा हुआ है बिल्कुल लाइट सा, ताकि वो नीचे से हल्का हल्का सा पकता रहे और गर्म रहे। अब इसके बाद मैं इसमें दूंगी स्मोक। स्मोक देने के लिए मैंने यूज़ करा है थोड़ा सा प्याज का छिलका। उसके बाद उसमें कोयला रख दूंगी। कोयला रखने के बाद उसमें थोड़ा सा घी डालूंगी जिससे स्मोक बनेगा और इसको कवर करके 5 मिनट्स के लिए रख दूंगी। स्मोक देने के बाद बिल्कुल रेडी है हमारा टिक्का। इसकी सर्विंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रायता, सलाद, लेमन। आप चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेमन जूस ऊपर से डालें तो और ज़्यादा अच्छा जायका आ जाता है। ये देखें कितना सॉफ्ट सा तैयार हुआ है, ज़बरदस्त सा टिक्का। ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। थैंक यू सो मच ऑल माई सब्सक्राइबर, ऑल माई व्यूअर्स, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़।